अबू तलहा रिल्लानो एक सहाबी हैं, अपनी बीवी से जुदा हुए तिजारत के सफर के लिए। बीवी हामला थी, आखिरी अय्याम थे। जब महीने दो बाद वापस आए तो उनके हां बेटे की विलादत हुई थी, मगर अल्लाह की शान कि जिस दिन उन्होंने घर पहुंचना था उसी दिन चंद घंटे पहले मासूम छोटे प्यारे बेटे की वफात हो गई। अब बीवी सोच रही है, मेरा खामिद इतने अरसे के बाद घर वापस आएगा, अगर उसने बेटे को मुर्दा देखा और उसको दिल पे सदमा होगा, उसको खुशी की बजाय गम मिलेगा। जब अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने पूछा कि मेरे बाद क्या हुआ। कहने लगी, अल्लाह ने बेटे की नेमत अता फरमाई। पूछा, वो कहाँ है? कहने लगी, वो सुकून में है। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो जू मानी था, असल में तो वो फौत हो चुका था, मगर इन्होंने कहा वो सुकून में है। खामिन समझा सो रहा होगा, रात का वक्त है, बच्चे को क्या जगाना, सुबह उठूंगा तो देख लूंगा। फिर उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ बैठकर बातें करने लगे। मियां बीवी इकट्ठे भी हुए। जरा गौर तो कीजिए, कायनात में ये एक अनोखी मिसाल है। माँ के सामने बेटे की लाश पड़ी है और माँ अपने खामिन की मोहब्बत की वजह से उसके साथ वक्त गुजार रही है, उसका दिल खुश कर रही है। ये वो मोहब्बत थी जो अल्लाह ने मियां और बीवी के दिलों में पैदा कर दी थी। कायनात में ऐसी मोहब्बत की मिसाल नजर नहीं आती। चुनाचे जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने खामिन को कहा, अल्लाह अगर किसी को अमानत दे तो फिर उसको खुशी से वापस करना चाहिए या गमजदा होकर? कहा, नहीं, खुशी से करना चाहिए। फिर बताया, अल्लाह ने बेटे की अमानत दी थी, उसने वापस ली, अब उसको आप जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए। अबू तलहा हैरान हुए, नबी अलैहिस्सलाम को आकर बात बताई। महबूब ने दुआ दी। उस रात के मिलाद में अल्लाह ने फिर उनको और औलाद अता फरमाई। फरमाते हैं कि हमने उनके 9 बेटे कुरान और हदीस के हाफिज देखे। अल्लाह ने ऐसी बरकत नस्ल में अता फरमा दी। तो अल्लाह ताला चाहते हैं तो मोहब्बत ऐसी दे देते हैं कि बीवी बच्चे की लाश भी पड़ी है फिर भी खामिंद के दिल को खुश करने में लगी है, और अल्लाह चाहते हैं तो खामिंद के दिल से बीवी की मोहब्बत को निकाल देते हैं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनका निकाह नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कजन जैनब लाना के साथ कर दिया था। इतनी खूबसूरत थी, अच्छे अखलाक वाली थी कि उनकी तारीफें तो आपने अभी सुन ही ली, जो आयशा लन्हा उनके बारे में अच्छे कमेंट्स देती थीं। इतनी खूबसूरत बीवी, अच्छे अखलाक वाली बीवी, मगर अल्लाह ने खामिन के दिल से मोहब्बत को हटा लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया, जैद तुम अपनी बीवी को आबाद करो। अमसिक अलैका ज़ौजक, तुम अपनी बीवी को अपने पास बसाओ, घर आबाद करो। मगर अल्लाह फरमाते हैं, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदं मिन्हा वतरा, जब जैद का दिल ही बीवी से भर गया, चुनाचे उनमें जुदाई हो गई। फिर अल्लाह ने ज़ैनब लन्हा का निकाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। सोचने की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम वालिद भी हैं। नबी अलैहिस्सलाम मुहसिन इंसानियत पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं। आप खामिंद को समझाते हैं कि बीवी से मोहब्बत करो, घर में बसाओ, मगर खामिंद के दिल से मोहब्बत निकाल ली गई, वो अपनी बीवी को जुदा कर देते हैं। अल्लाह चाहते हैं तो ऐसी मोहब्बत कि बच्चे की वफात के बावजूद बीवी खामिंद के साथ वक्त गुजारती है, मोहब्बत को निकाल लेते हैं तो फिर बीवी अपने खामिंद के पास रह ही नहीं सकती, जुदाइयां हो जाती हैं। मालूम होता है ये इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है, इसलिए कि इंसानों के दिन बैन इसाबिर रहमान, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। इसलिए एक साहब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में हाजिर हुए। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा तो उनके हुस्न जमाल को देखकर फरमाने लगे,
सुभान मुकल्लिबिल कुलूब, ए दिलों को पलटने वाले तू पाक है। इतनी खूबसूरत बीवी, मगर आपने जैद के दिल को इनसे फेर दिया, उसको इनकी तरफ रगबत ही नहीं होती थी। तो मालूम हुआ कि दिलों का मामला दिलों के परवरदिगार के हाथ में है। एक साहब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब लानो से पास हाजिर हुए, या अमीरुल मोमिनीन रई तो इमरअतन फअशिक्तुहा, मैंने एक औरत को देखा, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई। फकाल, उमर लानो ने जवाब दिया, जालिका माला तमलिकु, ये वो चीज है कि जिसका तुम्हें इख्तियार नहीं है। चुनाचे अब्दुल्ला इब्न उमर लानो के बारे में आता है, इस तरह जारियतन रूमिया, उन्होंने रूम की एक जारिया बांधी खरीदी। फकाना युहिब्बुहा हुब्बन शदीदा, उससे बहुत मोहब्बत करते थे। फवकअत ज़ात यौमिन अन बगलतिन लहू, एक दिन वो औरत सवारी पे सवार थी, नीचे गिर गई। फजअल यमसहु तुराब अन वजहिहा, अब्दुल्ला इब्न मरलानो उस औरत के चेहरे से मिट्टी को साफ करने लगे। अंदाजा तो लगाएं कितनी मोहब्बत दिल में है, कि खामिद आगे बढ़ता है, औरत के चेहरे से मिट्टी को साफ करता है। ये क्या है, अल्लाह ने दिल में मोहब्बतें रख दी हैं। आयशा ने पूछा, आयशा ने फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु इहदा निसाइही वहुवा साइम सुम्मा तदहक, वो हंसने लग गई, फरमाने लगी कि नबी अलैहिस्सलाम रोजे से होते थे, फिर भी अपनी किसी एक बीवी को मोहब्बत से बोसा देते थे। इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों में जब मोहब्बत डालते हैं, मियां अपनी बीवी से अपने आप को पीछे हटा ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता। यही कैफियत औरतों के दिल में होती है कि खामदों की ऐसी मोहब्बत होती है कि बेटे की वफात का सदमा बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर खामिंद के दिल को खुश कर दिखाती हैं। ये अलग बात है कि औरतों से अगर पूछा जाए तो वो अपनी तबीयत की वजह से हमेशा ना ना ही करती हैं, मगर उनकी ना में असल हाँ हो रही होती है। बल्कि इसका हदीस पाक में तस्करा भी है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हव्वा को बनाया, तो फरिश्तों ने अम्मा हव्वा से पूछा, क्या आपके दिल में आदम की मोहब्बत है? कालत ला, कहने लगी नहीं। वफी कल्बहा इदआफ माफी कल्बही मिन हुब्बही, जितनी मोहब्बत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में हव्वा की थी, हव्वा के दिल में उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत थी, मगर हया और शर्म की वजह से कह दिया नहीं। तो यही एक सिफत अम्मा हव्वा की बेटियों में आ गई, दिल में मोहब्बत उछल रही होती है, बेकाबू हो रही होती हैं। खामिंद पूछता है तो ना तो कह देती हैं कि नहीं, ये ना ना इनके शर्म का एक हिस्सा है, हकीकत में तो वह हाँ हाँ कह रही होती हैं, इसलिए तो करीब होती हैं।